नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता द्विवेदी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप यहाँ पे मसूर की दाल बनाना सीखेंगे। मसूर की दाल बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे मसूर की दाल बनाने के लिए। मैंने मसूर को एक घंटे पहले भिगो दिया था, अच्छे से फूल गया है और इसे मैंने धुल के ले लिया है। इस तरीके से आप ले लेंगे। सब्जी मसाला मैंने ले लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे हल्दी पाउडर, 8 से 10 जवा लहसुन ले लिया है, प्याज मैंने ले लिया है 2 प्याज को कट करके, 3 से 4 मिर्चा ले लिया है, तीखा आप अपने अनुसार करेंगे, 2 टमाटर को मैंने इस तरीके से कट करके ले लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक आलू मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, नमक स्वादा अनुसार। कढ़ाई में आप देखेंगे एक करछी मैंने सरसों का तेल ले लिया है। कुकर में मैंने 2 ग्लास पानी ले लिया है। अब हम मसूर दाल को डाल देंगे कुकर में, 2 सीटी लगा लेंगे। मसूर दाल मैंने पकने के लिए रख दिया है कुकर में। अब आप यहाँ पे देखेंगे टमाटर लहसुन प्याज को जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देखेंगे टमाटर प्याज को मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का इसे दरदरा रखा है। इस तरीके से आप दरदरा करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं बारीक करेंगे। कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो गया है, 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा का तड़का लगाएंगे। जीरा हमारा पक गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, कटे हुए आलू। इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये आप देखेंगे आलू हल्की पक गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे छोटे चम्मच से, सब्जी मसाला 1 चम्मच डाल देंगे, फिर उसके बाद ग्राइंड किया हुआ प्याज टमाटर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से हल्का से इसे हम पका लेंगे। इसे इसी तरीके से चला के आप भून लेंगे ताकि मसाला आपका पक जाए। नमक भी इसी में डाल देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे मसूर की दाल हमारी पक गई है। आप इसे गैस को तेज करके 1 से 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे मसाला भी हमारा पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे उबाल आ गया है दाल में। मसूर की दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डाल देंगे। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप मसूर की दाल बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे चावल के साथ सर्व करें। आप इसे चावल के साथ खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।